बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कई जिलों में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं सभी मेडिकल कॉलेजों में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोविड बीमारी के लिए बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर दवा आदि की उपलब्धता की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों, पदाधिकारियों, मरीजों एवं उनके परिजनों से बात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में पहले से स्थिति बेहतर हुई है, इलाज ठीक ढंग से चल रहे हैं, फिर भी कोविड संक्रमण पर सतर्कता के साथ नजर रखना जरूरी है। मरीजों के लिए सुविधाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा, स्थिति की लगातार समीक्षा भी की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को मरीजों की हर सुविधा का ख्याल रखने का भी निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की तरफ से संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में आईसीयू बेडों की संख्या और बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो वही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व राज्यपाल रघुनंदन लाल भाटिया जी के निधन पर अत्यंत दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे कुशल राजनेता थे, उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में अपूर्णीय क्षति हुई है। राज्य सरकार द्वारा दिवंगत आत्मा की शांति हेतु एक दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा।